रिलायंस अस्पताल की लापरवाही से एक बच्चा हुआ जिंदा लाश। गिरगांव कोर्ट में याचिका दाखिल। ये हाथ की नहीं, ये दोनों भी हाथ की मुट्ठी अक्सर बंद रहती है और इसका जो ये इसके जो पैर है वो देख सकते हैं आप, एकदम से दुबले पतले हो गए। पैर का ये नी का जो हड्डी है वो ए साइड से बाहर आ गए है, ये वाले नी का भी ऐसा ही, इधर का हड्डी भी ये साइड से बाहर है और हमेशा ये अपने दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखता है और एकदम से पैर इसके पतले हो गए। इसमें कोई मूवमेंट नहीं, ना वो अपने पैर हिलाता है, ना वो अपने हाथ हिलाता है, ना ही अपने हाथ से खाना खाता है। उसको निकलने में भी बहुत सारी तकलीफ है और दिखता तो उसको 1% भी नहीं, टोटली ब्लाइंड है। ये है प्रियांशु, जो अपनी माँ की आवाज सुन तो सकता है लेकिन वो खुद से हिल डुल भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। इसकी माँ प्रिया मनीष ब्रित का आरोप है कि ये बच्चा ठीक हो सकता था लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर रिलायंस अस्पताल के डॉक्टरों ने इसका इलाज नहीं किया और अब ये बच्चा एक जिंदा लाश की तरह से हो गया है। इस लड़के का नाम प्रियांशु मनीष ब्रिद है, जो 13 साल का है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर किसी भी माँ की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल होके अगर ऐसे लापरवाह डॉक्टर इन्होंने हॉस्पिटल में रखे हैं तो ये तो गलत ही बात है। अगर इनको, डॉक्टर को भी और हॉस्पिटल भी, किसी को भी राइट्स नहीं है कि किसी के भी लाइफ के साथ वो खेले, ये तो सरासर गलत हुआ है। तो हमारे हिसाब से हम जितना भी बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए कर सकते हैं वो हम करके रहेंगे। जब दिसंबर में मैं सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में गई थी, तभी तो सबसे पहले डॉक्टर श्वेता बंसल ने कहा था कि अगर बच्चे का लो स्कोर कम रहेगा तो हम ट्रांसप्लांट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने हमें डॉक्टर अरुण शाह के पास भेजा। डॉक्टर अरुण शाह ने उसका ब्रेन MRI का लो स्कोर निकाला, उसमें उसका स्कोर था 10। 10 स्कोर आने के बाद डॉक्टर ने हमें बोला था कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने हमें कॉस्ट सर्टिफिकेट दिया था, वो था 20,10,000 का, ठीक है। उसके बाद हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमें हर बार अगले वीक आना ऐसे करके लंबे समय तक उन्होंने हमें कोई मतलब हमें मिली नहीं। और जब जब मिलती थी उनके पास उनका स्टैंप नहीं था, उनका स्टैंप ना होने की वजह से हमें कोई भी ट्रस्ट के लेटर्स नहीं मिलते थे। लेटर्स ना मिलने की वजह से इतना बड़ा अमाउंट हम जल्द से जल्द अरेंज नहीं कर पा रहे। फिर हमने गांव का खेत बेच दिया, हमने ज्वेलरी बेच दी, इसलिए ताकि हमें हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे तरीके से करना था। जब जब वो हमें टाइम पे टाइम देती जा रही थी, तभी हमने कहीं और जगह से उसके सारे रिपोर्ट निकलवाए ताकि ट्रीटमेंट जल्दी हो। रिपोर्ट्स उनको दिखाए, रिपोर्ट्स दिखाने के बाद वो बोले जब तक चैरिटी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकती। चैरिटी का मेल उनको 1 महीने पहले ही आया था, जो उन्हें पता ही नहीं था, वो भी हमने चैरिटी से कंफर्म करके उनको बताया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब सारी चीज़ें हो गई है तो हम मार्च के एंड में उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। मार्च के एंड में जब हमने उस ट्रांसप्लांट करने के लिए उन्होंने हमें बताया कि लास्ट वीक में करेंगे, जैसे उसके सारे रिपोर्ट्स आ गए, मार्च के एंड में जब हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभी 22 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन जब फिर से खुलेगा हम कॉल करेंगे। 22 दिन से पहले फिर से डिसाइड हो गया कि लॉकडाउन और बढ़ गया। ऐसे ऐसे लॉकडाउन बढ़ता गया और बच्चे की हालत और ज़्यादा ख़राब होती गई। अप्रैल में खुद प्रियांशु हमारे साथ चल के हॉस्पिटल गया था और तब वो चल रहा था, तभी भी हॉस्पिटल में लिया नहीं, बोले कोविड चल रहा है, हम किसी को एडमिट नहीं करते या इसका कोई इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, अगर आपको कोई इलाज करना है तो आप किसी और हॉस्पिटल में जाके कीजिए। मैं क्यों करूँ किसी और हॉस्पिटल में इलाज जबकि मेरा पूरा ट्रीटमेंट यही हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ये भी एक बात है। फिर हाँ, उन्होंने बोला था कि वीडियो कंसल्टिंग के सहारे आप डॉक्टर अरुण शाह से बात कर दीजिए, अगर बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है तो, अगर वो बोलेंगे ट्रांसप्लांट कर सकते तो मैं करूँगी। वीडियो कंसल्टिंग में हमें अरुण शाह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला, इसी चक्कर में डिले होता गया। फिर जब हमने डॉक्टर को बोला कि हम इस रिगार्डिंग कंप्लीट करेंगे, तब जाके डॉक्टर रेडी हुई ट्रांसप्लांट के लिए। फिर एक जून को उन्होंने हमें बुलाया। 1 जून को जब हम गए, उन्होंने फिर से उसका ब्रेन MRI करने का सजेस्ट किया। ब्रेन MRI का जो
रिपोर्ट निकाला और जो स्कोर निकाला उसमें स्कोर बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस रीज़न से उसका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। और ट्रांसप्लांट जब करने के लिए डॉक्टर ने बोला जून में, तो पहले तो इंस्ट्रूमेंट बना था 20,10,000 का। जब ट्रांसप्लांट का कंफर्म किया उसके बाद मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपका जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है वो अभी अराउंड 25 लाख तक हो जाएगा। जब मैंने पूछा कि हमें तो पहले 20,10,000 का एस्टिमेट बना दिया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, वो कोविड की वजह से सारे रेट्स चेंज हो चुके हैं। मैंने बोला हमें 10 लाख का चैरिटी, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, चैरिटी हुआ तो क्या हुआ, बचा हुआ रेस्ट अमाउंट आपको एक वीक के अंदर सारा पे करना होगा, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होगा। ये भी एक बात हुई। फिर उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाया। तो ये सारा किस वजह से हुआ, इनके लेट करने की वजह से ही हुआ ना। अगर तुम बोलते हो कि कोविड की वजह से हम किसी को नहीं ले रहे हॉस्पिटल में, तो ऋषि कपूर जी को क्यों लिया? इस बच्चे को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, ये इलाज शहर के मशहूर अस्पताल रिलायंस फाउंडेशन में होना था, लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर उसे टाल दिया गया। इसकी वजह से लड़के का ठीक से इलाज नहीं हो सका और एक अच्छा खासा बच्चा अपाहिज हो गया है। मुंबई शहर की नागरिक संस्था इंडियन सिटीजन ने इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का केस गिरगांव कोर्ट में दाखिल किया है। ये केस क्राइम के मशहूर वकील राजेश ठाकुर की देखरेख में चल रहा है। बोन नैरो का उनको प्रॉब्लम था और उसकी वजह से कोविड के पहले उन्होंने ये जो हॉस्पिटल है रिलायंस फाउंडेशन, ये हॉस्पिटल को उन्होंने अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद हॉस्पिटल ने उनको 20 लाख प्लस उन्होंने कोटेशन दिया। फिर उन्होंने उनको ये भी कहा कि जो बोन नैरो ट्रांसप्लांट है वो भी आपको ही ढूंढना होगा, यहाँ पे सिर्फ ये लोग बोन नैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। उसका जो उन्होंने 20 लाख का बजट दिया था, उन्होंने अपना जेवर, खुद का फ्लैट जो रहते थे वो फ्लैट बेच कर उन्होंने 10 लाख करीबन सब अमाउंट उन्होंने इकट्ठा की। वो अमाउंट इकट्ठा करने के बाद उन्होंने जब भी हॉस्पिटल को अप्रोच होने के बाद फिर उन्होंने फिर उनको 10 या 15 टाइप का उनको जो टेस्ट है वो टेस्ट के लिए उनको भेजा। फिर टेस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पे एडमिशन उनको डिनाई कर दिया। एडमिशन डिनाई करने की वजह से एक वक्त अप्रैल के दौरान वो लड़का चल के ही हॉस्पिटल तक आता था, हॉस्पिटल सामने ही है। अभी उसका जून के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया, वो लड़का पूरा बेड रिटर्न है, वो खुद टॉयलेट के लिए भी जा नहीं सकता, ऐसी आज उसकी अवस्था है। तो इसीलिए आज वो बच्चे को और उसकी माँ को जो पीड़ित है उनको न्याय देने के लिए हम लोग ने सेक्शन 438 मेडिकल निग्लिजेंस, ये सबसे IPC ये सेक्शन के तहत उन्होंने जो डराया उनको डराने के बाद वो जो पैसा उन्होंने मांगा 10 लाख तक का उनको उन्होंने इकट्ठा किया, फिर भी उनको एडमिशन नहीं दिया बच्चे को। और आज वो बच्चा बैठ रहे खुद का जो टॉयलेट के लिए भी कुछ जा नहीं सकता, कुछ खुद के हाथ से खा नहीं सकता, वो लड़का देख नहीं सकता। आज ये जो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है हॉस्पिटल की वजह से, जो डॉक्टर है श्वेता बंसल और अरुण शाह उनकी वजह से आज ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इसीलिए हम लोग मेडिकल निग्लिजेंस IPC सेक्शन के अंडर हम लोग ने यहाँ पे उनकी माँ और उनके माँ ने कंटिन्यू वो ये हॉस्पिटल में आ नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है जो मासूम भाई उनके थ्रू आज हम लोग ने केस यहाँ पे फाइल किया है। अभी देखे हम लोग ये केस को अच्छे से अच्छा तरीके से हम लोग हैंडल करने का कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित है वो जो लेडीज़ है उनको और उनके बच्चे को न्याय देने का हम लोग पूरा हम लोग कोशिश आगे करेंगे। इंडियन सिटीजन संस्था ने प्रियांशु के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अस्पताल के मैनेजमेंट के साथ ही महाराष्ट्र सरकार को कई बार निवेदन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। अब इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मासूम अली ने गिरगांव की अदालत में रिलायंस अस्पताल के 2 डॉक्टरों और मैनेजमेंट के खिलाफ घोर लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर डी वार्ड के आरोग्य अधिकारी से मिले, DCP से मिले और आरोग्य मंत्री को भी हमने ऑनलाइन, उसको कोऑर्डिनेट की तरफ मिल नहीं रहे थे, ऑनलाइन में हम लोगों ने उनको कंप्लेंट डाला, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ये हॉस्पिटल किसका है, अनिल अंबानी जी का, उद्योगपति का है, उसके विरुद्ध में केस भी फाइल नहीं हुआ होगा। सोचिए जो देश को चला रहा है अभी हम नहीं कह सकते मोदी, ये आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि अनिल अंबानी जी से एक रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़कर कि एक माँ का दर्द सुने आप। अगर प्रियांशु आपका बेटा होता तो क्या होता, ये माँ अपना खेत इसलिए बेची कि 1.5 लाख रुपये महीना
किसी डॉक्टर को देकर उसका थेरेपी होता है। कहाँ पे दीदी? अपने देहरादून में। कि माँ अपने बच्चों को खड़ा करने की हर कोशिश कर रही है। एक बार मेरे अनिल अंबानी जी से रिक्वेस्ट है, बच्चे की स्थिति क्या है? बेड रेस्ट, अपाहिज हो चुका है, ना देख सकता ना, मतलब उसको टॉयलेट भी जाना रहा तो दो लोग उठाते हैं। ये सब रिलायंस की जो डॉक्टर, ये डॉक्टर श्वेता बंसल और डॉक्टर इनकी बदौलत ये सब, ये उन लोग का ही की वजह से ही बच्चे की जिंदगी खराब हुई है। मुकेश अंबानी जो भी है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जो भी हैं, इन हाँ एक ही भाई हैं, उनका ही हॉस्पिटल है। मैनेजमेंट में भी हम लोग ने कंप्लेन दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको जो कार्रवाई करना आप करो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग ने न्यायाधीश में, न्याय के लिए न्यायालय में केस आज फाइल किया है और बाकी जनता के हाथ में है। और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी अगर चाहेंगे तो एक माँ की फरियाद सुनेंगे तो उनको इंसाफ दिया जाएगा। अदालत के अलावा अब इस लापरवाही की लड़ाई धरना और प्रदर्शन के द्वारा भी लड़ी जाएगी। इसके लिए संस्था की मुंबई की अध्यक्ष तबस्सुम शेख 10 फरवरी से अस्पताल के गेट पर आमरण उपोषण करने जा रही हैं। दिनांक 15 फरवरी 2021 सिडियंस संस्था की महिलाएं और मैं रिलायंस HN हॉस्पिटल के गेट पर आमरण उपोषण करेंगी, एक गरीब माँ और एक अपाहिज बच्चे के लिए। हम चाहते हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट करें और उस समय हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, ताकि गरीब माँ और एक अपाहिज बच्चे को इंसाफ मिल सके। धन्यवाद। आपको अगर लगता है कि मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए तो इसी महीने की 15 तारीख को सरेचन रिलायंस हॉस्पिटल के गेट पे पब्लिक पावर संस्था की महिला अध्यक्ष तबस्सुम शेख जी आमरण उपोषण करने वाली है। आप इसमें सब मिलके उनका सपोर्ट करो, मुझे और प्रियांशु को इंसाफ दिलाओ, और मुझे आशा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। महंगे इलाज और कोरोना का बहाना करके मुंबई के कई अस्पतालों में गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज ठीक से नहीं हो सका। लॉकडाउन के दौरान इस तरह की बहुत सी शिकायतें सामने आई थीं। ठीक समय पर इलाज न हो पाने की वजह से काफ़ी लोगों को अपनों से बिछड़ने का दुख उठाना पड़ा। आशा है कि इस मामले में प्रियांशु के परिवार की कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी और उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उठा। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।